आईटीआई के एडमिशन कब से होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हमारी पल पल की अपडेट अन्य आईटीआई से रिलेटेड मैं आपको देता रहूँगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। जय हिंद दोस्तों, क्या आप लोग उत्तर प्रदेश से आईटीआई करना चाहते हैं और आईटीआई किस तरीके से करें और कौन से ट्रेड से करें, इसके ऊपर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और आईटीआई के एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, यानी कि आईटीआई के रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, तो प्लीज़ आप लोग क्या करना, अपने आप से एक प्रॉमिस करना, इस वीडियो को पूरा देखना ध्यान से, ठीक है। आप ऐसा मत करना, स्किप करना इस वीडियो को, पूरा देखना ध्यान से, ठीक है। मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बताऊँगा कौन सी ट्रेड से आपको करना चाहिए और SCBT और NCBT में मैं आपको इसमें फ़र्क बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। तो मैं बात कहना चाहूँगा सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश में यूपी आईटीआई की जो होते हैं, उत्तर प्रदेश की आईटीआई रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। अभी क्या था, हमारी एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं हो रहा था कब एग्ज़ाम होगी, कब हमारा रिजल्ट आएगा। तो क्या हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं वालों को क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोगों के क्या, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बहुत ही जल्द आएगा। पहले हो सकता है जहाँ तक पहले 10वीं का ही रिजल्ट आएगा, और जैसे ही, क्योंकि आईटीआई का एक रूल होता है कि जैसे ही 10वीं वालों का रिज़ल्ट आता है उसके बाद ही क्या होता है कि आईटीआई के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं। तो आप लोगों का जो रिज़ल्ट है, अगर हो सकता है मई के आखिरी तक आ जाए, वो सॉरी जून के आखिरी तक आ जाए। तो जून के अगर आखिरी तक आ जाता है तो जुलाई में आपको, तो जून के आखिरी में जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा तो जुलाई में आपको क्या है, और हो सकता है कि जुलाई वो जून के एंड में ही आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएँ। तो मैं क्या आप लोगों से सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये करूँगा, तो आप क्या करना, जैसे क्या है किसी किसी के 10वीं में अगर अच्छे नंबर ना आए, क्योंकि इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश आईटीआई में 10वीं के परसेंट से आपका क्या मेरिट लिस्ट बनता है इसमें। और पिछली बार की जो अगर देखी जाए मेरिट लिस्ट, वो काफ़ी हाई गई थी, चाहे वो जनरल की हो चाहे वो OBC की हो, ठीक है। तो आप क्या करना, कट ऑफ से बचने के लिए वो भी मैं बताऊँगा कि आप कैसे फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करें। तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करूँगा, अगर आपका कोई भी ऐसा साथी हो जब 10वीं साल किया हो और वो रजिस्ट्रेशन मतलब आईटीआई करना चाहता है, रजिस्ट्रेशन करेगा, तो उसे क्या क्या गलतियां ना करे जब वो आईटीआई में रजिस्ट्रेशन करने जाए। तो क्या करना आप लोग, सबसे पहले पहली बात तो ये है, अगर आप लोगों के 10वीं में परसेंटेज, मतलब कि जो लोग 19 या 18 में जिन लोगों ने 10वीं पास कर लिया है, तो वो लोग क्या करें, जिन लोगों का काफ़ी मतलब 1-2 साल से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनका क्या है सरकारी में नाम नहीं आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। तो वो क्या करें, तो आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगा, अगर आपके पास 10वीं की नहीं तो आप 8वीं की मार्कशीट लगा देना। कौन सी, 8वीं की मार्कशीट लगा देना, अगर उसमें परसेंटेज अच्छे हैं, कम से कम 90 होना चाहिए, 85 से लेके 90 के प्लस में होना चाहिए। तो उससे क्या है, अगर आपके 10वीं के नंबर कम है तो आप 8वीं की लगा देना, तो उससे भी क्या है आपका एडमिशन हो जाएगा। ये बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, 100% आपका एडमिशन होगा और रजिस्ट्रेशन भी होगा, ठीक है। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई, ये आपको किसी ने भी अभी तक नहीं बताई होगी, क्योंकि आप लोग हर बार 10वीं मार्कशीट लगा देते हो और क्या होता है, किसी किसी 60% होते हैं, 70% होते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका नाम मेरिट लिस्ट और रेट में नाम नहीं आता है, ठीक है। तो आप ये काम जरूर करना। अब हम बात करेंगे कि क्या हम दूसरे ज़िले से या हम अपने ज़िले से ही आईटीआई कर सकते हैं, तो हाँ, अगर जहाँ तक हो सके, मैं आप लोगों से यही बोलूँगा, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक मिनट, और अगर आप लोग चेक करना चाहें, कुछ लोग बोलेंगे हम कैसे चेक करें कि आईटीआई के रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे उत्तर प्रदेश में, और अगर आप अन्य राज्य से हों, चाहे MP से हों, चाहे राजस्थान से हों, चाहे बिहार से हों, चाहे हरियाणा से हों, आप अन्य अगर राज्य से हैं तो वो भी आप लोग हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, तो आपके लिए भी हम एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। और MP वालों के लिए हम बिल्कुल सही और सटीक बता देंगे कि आपके कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और आप किस ज़िले से आईटीआई करें, जिससे क्या है वहाँ पर कट ऑफ कम रहता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा मध्य प्रदेश वालों के लिए। तो उत्तर प्रदेश वाले आप क्या करें, आप अगर खुद चेक करना चाहते हैं तो गूगल पे आप क्या करना, क्रोम ब्राउज़र पर आप क्या करना, ये लिखा हुआ है ना UPSCBT ITI करके आप डाल देना, तो पहले ही नंबर पर जो आएगा उस पर आप क्लिक कर देना। और जब भी कोई भविष्य में अपडेट होता है, ये जो लाइन चल रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो न्यूज़ चल रही है यहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन इस तारीख से होंगे और इस तारीख से, और इसमें कितने राउंड चलते हैं कुछ लोगों की ये भी डाउट है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, इसमें जो है
एमपी में तो कम से कम 10 राउंड चलते हैं, कम से कम नॉर्मल। पिछली बार तो 12-13 राउंड चले थे अभी 2020 में तो। और उत्तर प्रदेश में क्या है, 4 ही राउंड चलते हैं। 3 राउंड में कॉलेज सीटें फुल हो जाती हैं, चौथे राउंड में क्या है, जब सीटें कोई बचती हैं कहीं कहीं तो उनमें एडमिशन लेने के लिए वहाँ पर क्या हो, चौथे राउंड में डायरेक्ट एडमिशन के लिए फिर आपको डायरेक्ट दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो आपको वहाँ जहाँ भी इस कॉलेज में सीटें खाली होती हैं तो वहाँ पर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि SC/BT से करें या NC/BT से करें। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले एक बात ये और कहना चाहूँगा कि आप प्राइवेट कॉलेज से ITI ना करें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ITI कॉलेज जो प्राइवेट के होते हैं वो अगर ज़्यादातर देखा जाए तो मैं एक इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, मथुरा में कम से कम 150 या 200 कॉलेज हैं जो फर्जी ITI के हैं। वो सिर्फ क्या है, उन्होंने मान्यता प्राप्त ले ली है DGT से और वो अपने ITI चला रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर अभी स्कॉलरशिप का घोटाला हुआ है करोड़ों में, तो उन कॉलेज वो कॉलेज क्या हुआ, सील किए जाएंगे, यानी कि वहाँ पर बंद किए जाएंगे। तो आप जहाँ तक हो अगर प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपका कोई जान पहचान का या वेस्ट कोई कॉलेज हो तो आप वहीं से ही क्या करें, ITI करें, फालतू के कॉलेज से ना करें, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट में कॉलेज में एडमिशन कैसे लें वो मैंने आपको बता दिया कि आप अगर 10वीं में अगर आपके कम हैं तो 8वीं की मार्कशीट लगा के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन में कुछ कागज़ नहीं लगते, मूल्यवास जाति प्रमाण पत्र और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लगा देना, ठीक है। अब हम बात करेंगे SC/BT और NC/BT में क्या फ़र्क है। तो आप क्या करें, आजकल अगर देखा जाए मतलब वर्तमान में जो प्रेजेंट में NC/BT का ज़्यादा प्रकोप चल रहा है, NC/BT का सबसे ज़्यादा प्रकोप चल रहा है। तो आप जहाँ तक हो जितना भी हो आप क्या करना, NC/BT से आप एडमिशन लेगा, क्योंकि SC/BT से जब आप एडमिशन ले लोगे तो अगर आप कहीं अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। तो आप जहाँ तक हो NC/BT से ही करना, वरना SC/BT से आप ITI मत करना। अगर जो साथी या जो भाई ऐसे हों जिन्होंने SC/BT से किया, उन लोगों से पूछ लेना कितना उनका लॉस हुआ है, काफ़ी ज़्यादा। मतलब ITI करने के बाद फिर आपका कोई एक मकसद नहीं रहता कि आप लोगों ने ITI किया है SC/BT से, तो NC/BT से ही आप करना। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की है, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जब भी UP ITI एडमिशन जब भी रजिस्ट्रेशन होंगे तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, अलग से एक सेपरेट इसकी एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। SC/BT NC/BT में बता दिया, और किस तरीके से आप मतलब कट ऑफ से बचें वो भी मैंने आपको बता दिया, और कॉलेज की मैं बता दूं आपको क्या आप दूसरे कॉलेज या अपने मतलब अपने ही ज़िले में करें। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप क्या करें, जब भी कॉलेज की चॉइस फीलिंग होती है अपने कॉलेज अपने ज़िले में डालें सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद अदर ज़िले में डाल दें, अगर आपको अपने ज़िले में नहीं मिलता है तो दूसरे ज़िले में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ तक हो आप अपने अपने फिर कम से कम 4-5 कॉलेज बाहर डाल देना। फिर अब मैं आपको टॉप कुछ आपको मतलब ट्रेड बता दे रहा हूँ, तो किससे आप ITI कर लें जिससे कि आपको कोई आगे भविष्य में चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले टॉप पर है फिटर। अगर आप लोग फिटर से ITI करते हैं NC/BT से, फिटर का अभी ज़्यादा सबसे ज़्यादा देखा जाए तो फिटर का क्रेज़ सबसे ज़्यादा चल रहा है। अगर फिटर से करना चाहें फिटर से कर लें। फिर दूसरा हमारा है जानी और पहचानी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, क्योंकि आज अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा लोग इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे आप क्या करें, इलेक्ट्रीशियन को चॉइस कर सकते हैं या इलेक्ट्रीशियन को पहले नंबर पे आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कंज्यूमर, ये ट्रेड ऐसी है इसका अभी जो कॉम्पिटिशन देखा जाए मेट्रो में या हमारे टेक्निकल क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का क्रेज़ बहुत कम है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से भी करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से भी ITI कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे बिल्डर से, अगर आप बिल्डर से करना चाहते हैं 1 साल का कोर्स रहता है तो आप बिल्डर से भी कर सकते हैं। कोपा अगर कोई ऐसा चाहता है कि मैं ऑफिस वर्क में चाहिए तो आप कोपा से ITI कर सकते हैं, ठीक है। और हम बात कहना चाहेंगे कि जो अदर ट्रेड हैं डीजल मकैनिक हैं या हमारी अन्य ट्रेडें होती हैं, तो ट्रैक्टर मकैनिक है या और हमारी काफ़ी ट्रेडें हैं, ट्रेडें कम से कम ITI के अंदर देखी जाएँ तो 150 ट्रेडें हैं, कम से कम 152 तक ट्रेड हैं। तो आपको अगर जो बेस्ट लगे वो आप कर लेना, मैंने आपको 4-5 बता दिए, इनसे अगर आपको लगता है तो आप इनसे ITI ज़रूर करें, ठीक है। जहाँ तक हो इन्हीं से ही आप करना, क्योंकि इनसे आपको काफ़ी बेनिफिट आगे चल के मिलेगा। तो दोस्तों
इस वीडियो में आपकी कोई भी डाउट नहीं होगी। अगर आपकी फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ लेना। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन है व्हाट्सएप की, वहाँ से आप ज्वाइन करके आप हमें व्हाट्सएप करके मैसेज भी के थ्रू भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी तो वीडियो को मैं यहीं पर करूँगा दी एंड। अगर फिर भी आपकी कोई डाउट है, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी तो नहीं होंगे, जून में आखिरी में हो सकते हैं, जुलाई में तो 100% हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना, क्योंकि 10वीं का रिजल्ट आएगा तभी आपके ये आगे सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को हम करेंगे यहीं पर दी एंड। इसी के साथ कोई नई जानकारी के साथ और नई अपडेट के साथ हम आपसे जल्दी जुड़ेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।